हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुनीता रागर रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ खील की चाट। दिवाली की बची हुई खील है, ये हमने 2.5 कप ली हुई है और इनको अच्छी तरह से साफ किया। और ये जो धान वाला छिलका है ना, ये देखिए ऐसा, इसको हमने निकाल दिया। अब हम इसमें 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। और खीर को भून लेंगे धीमी आंच पे, लगातार चलाते हुए। गैस को हम तेज नहीं करेंगे। तकरीबन 1.5 मिनट हो गया है हमें धीमी आंच पे इनको भूनते हुए। और अब हम गैस को बंद करेंगे और इसको एक बोल में निकाल लेंगे। उसी कढ़ाई में हम 1 चम्मच देसी घी और लेंगे। देसी घी की जगह आप वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं या मक्खन ले सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे जीरा, तकरीबन 1/2 छोटी चम्मच। इसको हम भून लेते हैं। जीरा भून गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज। इसको हम भून लेंगे। दोस्तों, खीर जो हम लेके आते हैं दिवाली पे पूजा के लिए, तकरीबन घरों में रखी रहती हैं, तो हमने सोचा क्यों ना उसकी चाट बना के खिलाई जाए, तो सब लोग बहुत खुशी से खा लेंगे। और इसकी चाट बहुत यमी होती है, हमने बना के देखी है, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करें। प्याज भून गया है, ज़्यादा हमने नहीं भूनना, हल्का सा ट्रांसपेरेंट करना है। अब हम इसमें डालेंगे 2 कटी हुई हरी मिर्च, इनको भी थोड़ा सा भून लेंगे। और साथ में ही डाल देंगे टमाटर, 1 बारीक कटा हुआ टमाटर। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक ये गल ना जाए, तब तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे भूनते हुए तकरीबन हमें 1 मिनट हो गया। अब हम इसमें डालेंगे मसाले, थोड़ी सी हल्दी, तकरीबन 1/2 छोटी चम्मच, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। साथ में ही डाल देंगे इसमें हम काला नमक थोड़ा सा। काली मिर्च डालेंगे, फ्रेश कुटी हुई, अगर पाउडर हो आप वो भी डाल सकते हैं। साथ में ही डाल देंगे हम चाट मसाला। इसको भून लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें 2 आलू दिए हैं उबले हुए, इनको मैंने क्यूब में कट कर लिया। इसको हम भून लेंगे तकरीबन 1 मिनट तक धीमी आंच पे लगातार चलाते हुए। मसाले और आलू को भूनते हुए तकरीबन हमें 1 मिनट हो गया है। मसाला और आलू अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, इसमें खुशबू आ गई है बहुत अच्छी सी, और देखने में भी कितने यमी लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहा है कलर इनका। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच लेमन जूस खटास के लिए। इसको मिक्स करेंगे। साथ में ही हम डाल देंगे रोस्ट की हुई मूंगफली, जो हमने पहले ही घी में डाल के रोस्ट कर ली थी, ये 1/2 कटोरी मूंगफली है।
इनको मिक्स करेंगे। मूंगफली अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ, साथ में ही डाल देंगे हम खीर जो रोस्ट की हुई थी, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। खीर अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब हम गैस को बंद करेंगे और इसमें डालेंगे आलू भुजिया। तकरीबन एक कटोरी हमने आलू भुजिया लिया, अब हम इसको मिक्स कर देंगे और अब हम प्लेटिंग करेंगे। लीजिए तैयार है खील की यमी चाट। इसको आप सॉस या हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। दोस्तों ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।